हाय बच्चों, तो देखो एक और नया प्रॉब्लम, अ टीवी टावर है, ठीक है। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। एक कैनल है जो पानी आता है हमें डैम से, तो उसको कैनल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैनल के बाजू में, कैनल को नज़दीक एक वर्टिकल टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, बीच में कैनल है, अपोजिट साइड में जो है एक बैंक पे टावर है, दूसरे बैंक पे वो खड़ा है, ठीक है। बैंक बोले तो उसके बाजू वाला जो कट्टा रहता, कठड़ा, तो वो कठड़े को क्या बोलते बच्चों? बैंक बोलते, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, कैनल किधर आएगा? इस साइड में आएगा, इधर पे कैनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कैनल होगा, यहाँ से वो कैनल से क्या पानी बहेगा, ठीक है। तो कैनल के इस साइड में क्या है? कैनल के इस साइड में है टावर, और इस साइड में वो खड़ा है एट पॉइंट सी, ठीक है। तो वो एट पॉइंट सी से टावर को देख रहा है, उसके टॉप को, तो एंगल कितना है? 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। तो इस पॉइंट के पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है जो है डी, ठीक है। उन्होंने फिगर दिया हुआ है बच्चों, तो वहाँ से वो टॉप तरफ देख रहा है, तो वो एंगल कितना करेगा? 30 डिग्री। तो वो बोल रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ये हाइट ऑफ टावर निकालना है, और विड्थ ऑफ कैनल, तो ये विड्थ कितना लेंगे हम? एक्स लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कंसीडर करना आता होगा तो देखो, या आप छुट्टे छुट्टे दो ट्रायंगल निकाल सकते, कौन से वाले? ए बी सी वाला, ए वाला एक, और बड़ा वाला ए बी डी वाला, ठीक है। ये ए बी डी वाला, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा वाला ट्रायंगल? छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर, ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल, हाँ छोटा वाला, इस साइड वाला, ये छोटा वाला। तो इधर पे देखो बच्चों, सामने का साइड दिया एच, एडजेसेंट साइड पता है एक्स, तो हम क्या लेंगे? टेन 60। ट्रिग्नोमेट्रिक की टैन आइडेंटिटी यूज करेंगे, टैन 60 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी होगा बच्चों, ठीक है। टैन 60 आता है रूट थ्री, तो ए बी है एच, और बी सी कितना है? एक्स। तो हमें इधर पे पिछली बार जैसा रिलेशन मिलेगा वैसा ये क्या मिल गया? एच इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन मिल गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? कंसिडर कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी वाला, ए बी डी वाला कंसिडर करेंगे। तो इधर भी क्या है? ए बी साइड पता है कौन सा है? हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और बी डी, बी डी साइड भी हमें पता है कितना है? 20, और ए एक्स 20 प्लस एक्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टैन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितना आएगा? ए बी, और नीचे वाला साइड एडजेसेंट साइड आएगा बी डी, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ओके। तो इधर पे क्या होगा? टैन 30 कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज इक्वल टू ए बी कितना है? एच। BD कितना है? 20 प्लस एक्स बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होएगा? H इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 3। इधर थोड़ा कंजस्टेड हो गया है मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 3। तो इधर पे देखो, H इज इक्वल टू, मैं अच्छे से लिखूंगा, H इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 3। बट बच्चों, h मेरे को पता है फ्रॉम इक्वेशन वन, h कितना है? रूट थ्री एक्स। तो मैं इधर पुट करूँगा, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट थ्री। ये रूट थ्री उधर चला गया, तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बच्चों? रूट थ्री टकला x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो x उधर चला गया, क्या आएगा? x उधर जाने के बाद 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा? 20। तो इधर क्या बचेगा? 2x इज इक्वल टू 20। तो x कितना आया बच्चों? 10 मीटर। तो देखो, विड्थ ऑफ कैनल हमें मिल गया, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल कितना हो गया बच्चों? x इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके। पुट इन, ये पुट करेंगे, किधर पुट करेंगे? इक्वेशन वन में, क्यों? मेरे को हाइट चाहिए, हाइट इज इक्वल टू कितना है? रूट थ्री एक्स, बोले तो ये कितना आया? एक्स कितना है? 10 रूट थ्री। तो मेरे को एच भी मिल गया बच्चों, एच कितना मिल गया? मेरे को एच मिल गया 10 रूट थ्री। तो इधर पे मैं अच्छे से लिख लूँगा, द हाइट ऑफ द टावर,
ये भी मेरे को मिल गया, एच इज इक्वल टू कितना आया, 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये एक आंसर है, इधर एक आंसर निकला, इधर एक आंसर निकला। थैंक यू वेरी मच बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।